लाल किला के ठीक बाहर मैं खड़ा हूँ और मेरे साथ एक 10 साल का बच्चा है जिसके हाथों में तिरंगा झंडा है और सेना की वर्दी पहने हुए है। देव पराशर इसका नाम है और क्लास 6 का ये स्टूडेंट है और ये अब तक 1600 परिवारों से मिल चुका है जिनके परिवार के लोग शहीद हुए हैं। खुद देव से बात करते हैं। देव, ये लालसा कहाँ से आई और 1600 परिवारों से तुम कैसे मिले? मैं एक बार टीवी पर देख रही थी, कैलिफोर्निया की एक लड़की ने लगाई थी, पर वहाँ पे क्या होता है कि पार्क में ही होते हैं, हजारों की तादाद में एक ही पार्क में होते हैं, इस वजह से उसने तो 2 महीने में लगा दिए थे। पर यहाँ हमारे यहाँ पर तो गांव-गांव में जाकर उनके गांव में ही है, इसलिए बहुत टाइम लगेगा। हम 2 साल से जा रहे हैं और 1600 शहीदों के यहाँ पर हम अभी हो चुके हैं, सारे राज्यों में जा चुके हैं, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। कैसे जाते हो, अकेले जाते हो या किन्हीं के साथ जाते हो? जी जाते हैं मेरे। ये जज्बा कहाँ से आया तुम्हारे साथ? हम एक टीवी पे देख रहे थे तो मोदी अंकल ने भी कहा था कि नमन करें शहीदों को और सैनिकों को, तो तभी से था, फिर ये वाली वीडियो आ गई कैलिफोर्निया वाले लड़के की। तो फिर शहीद के परिवार से मिलते हो तो क्या करते हो, क्या बोलते हो? सबसे पहले हम उनके स्मारक पर सफाई करते हैं, सफाई करने के बाद राष्ट्रीय ध्वज लगाते हैं, राष्ट्रीय ध्वज लगाने के बाद राष्ट्रीय गान करते हैं। फिर आगे क्या सेना में तुम भी जाना चाहते हो? हाँ, मैं आर्मी डॉक्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ जो हमारे देश के लिए घायल हो जाते हैं। राष्ट्रीय गीत सुना दो। गाना तो नहीं आता, बस मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सब लोगों को कि जो भी हमारे शहीद हैं, सैनिक हैं, उनको एक बार नमन जरूर करें। बिल्कुल, ये नन्हा बच्चा 6वीं क्लास का ये स्टूडेंट है और अब तक 1600 परिवारों से मिल चुका है और आगे भी मिलता रहेगा, इसके अंदर जज्बा है, भारतीय सेना में ये जाना चाहता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ पवन मिश्रा, न्यूज 24 दिल्ली।